हेलो एवरीवन, मैं आस करदा हां तुसी सारे ही ठीक ठाक होंगे ते चढ़दी कला च होंगे। अज दी वीडियो दे विच इंपोर्टेंट अपडेट लेके हाजिर हां जी, नोवा स्कोशिया प्रोविंस दे रिगार्डिंग। नोवा स्कोशिया ने रिसेंटली एक नवा इमीग्रेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया हैगा, जिदा नाम हैगा है क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट प्रोग्राम, जिदी गल मैं अपनी इस वीडियो च कर रहा हैगा। एज वी ऑल नो, कंस्ट्रक्शन वर्कर दे विच काफी ज्यादा शॉर्टेज चलती पई है, लेबर शॉर्टेज चल रही है, उसे चीज नूं ध्यान च रखते हुए नोवा स्कोशिया ने भी इनिशिएटिव लिया हैगा। सो नोवा स्कोशिया जो कि एक अटलांटिक कैनेडा की प्रोविंस है, ये जो गवांडी सूबे ने वो हैगा न्यू ब्रंसविक ते प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। उन्होंने इन दोनों ही प्रोविंसेस दे विच पॉइंट सिस्टम चलता पाया है, जे थोड़ा पॉइंट्स नूं तुसी सर्टेन मीट करते हो तो थोड़ा इनविटेशन आ जाता है अपलाई करने के लिए। बट नोवा स्कोशिया के जो पीयर प्रोग्राम है वो डिफरेंट तरह वर्कआउट करते हैं, इतने पॉइंट सिस्टम नहीं है, सिर्फ थोड़ा एलिजिबिलिटी मीट करना होंगे है। सो इत जिमें कि अलग एक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम भी चलता पाया, ऑक्यूपेशन इन डिमांड भी चलता पाया, वो भी फाइलों लगदिया पईआं। नाल दी नाल इन्होंने हुण स्पैसीफिकली जे गल करिए कंस्ट्रक्शन वर्कर नूं टारगेट करते हुए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। ये एलिजिबल होने लिए जे गल करिए कुछ क एनओसी कोड ने जिहड़े तुसीं इस टाइम स्क्रीन ते देख रहे हैगे हो। फुल टाइम जॉब ऑफर तुहानूं चाहीदी है नोवा स्कोशिया दे इंपलायर तों, 1 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस किया होना रिलेटिड टू जॉब जरूरी हैगा। खास गल इत भी है कि मटीरियल हैंडलर उन्होंने ये इनकलूड किए हैं, जिन जिन्हें चूंकि फोरकलिफ्ट ऑपरेटर आते हैं, वेयरहाउस वर्कर सारे ही ये फॉल करते हैं। मटीरियल हैंडलर की गल करिए जो वेयरहाउस वर्कर ने जो ओंटेरियो काम करते हैं, बीसी काम करते हैं, उन्होंने इन प्रोविंस तो पी आर होंगी नहीं हैगी, ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड होनी है। सो तुहाडे लिए एक चंगी ऑपरचुनिटी हैगी जे तुसीं इस टाइम ओंटेरियो है तुहाडे कोल वेयरहाउस का एक्सपीरियंस हैगा 1 साल का, नोवा स्कोशिया तुहाडे लिए चंगी ऑपरचुनिटी हैगी, बिकॉज 1 साल का तुसीं वर्क एक्सपीरियंस कर लिया होया, उत्थे जॉब मिलती है, तुसीं अपनी पीएनपी उत्थे लगा सकते हैं। जिस तरह तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो ज्यादातर जॉब्स जिहड़ियां हैगियां कंस्ट्रक्शन दियां ओह इन्हां ने टीयर 2, 0 या 3 वालियां इनकलूड कीतियां हैगियां, सिर्फ जिहड़ा एक मटीरियल हैंडलर दे विच इन्होंने एक ऐड कीते ने नंबर 5 वाले, ते इस तों अलावा जिहड़ा 5 टीयर कोड हैगा उहदे कंस्ट्रक्शन ट्रेड हैल्पर एंड लेबरर, इह जिहड़े कंस्ट्रक्शन ट्रेड हैल्परस ने इन्हां दे लई एक अलग तो भी पीयर प्रोग्राम चलता पाया है नोवा स्कोशिया, जिहड़ा ऑक्यूपेशन इन डिमांड चाहता है, तो अदर ट्रेड हैल्परस एंड लेबरर इन्होंने ये इनकलूड किए हैं टीयर 5 वाले। सो वेयरहाउस वर्कर के लिए खुशखबरी की गल हैगी, तुहाडे कोल वेयरहाउस का एक्सपीरियंस है, तुहानू जरूर इस प्रोग्राम के लिए ट्राई करना चाहिए। इत्थे भी लगता पाया कि इन्हों फैसिलिटेट करनगे इन्हों की जी फास्ट ट्रैक प्रोसैसिंग, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज चलती भी उन्होंने ध्यान रखते हुए प्रोग्राम बनाया गया है। एज की रिक्वायरमेंट गल करिए 21 to 55 है, जिवें इन्हां दे बाकी प्रोग्रामां दी गल हैगी। एक होर इंपोर्टेंट गल इत्थे नोट करने वाली यह है, जे तुहाडे कोल कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस हैगा, तुहानू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जॉब मिल रही है, हाई स्कूल तुसीं नहीं कीता होया, तुहाडे लई एक अल्टरनेटिव हैगा, वो अल्टरनेटिव हैगा जे तुसीं हाई स्कूल नहीं कीता होया, तुसीं कंस्ट्रक्शन स्पैसीफिक इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जे कीता होया तां वी तुसीं रिक्वायरमेंट एजुकेशन दी मीट कर सकदे हो। ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 0, 1, 2 or 3 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ CLB 5 ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ 4 or 5 ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Tier 4 or 5 ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ CLB 4 ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਘੱਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ इमीग्रेशन की अपडेट मिली होएगी। मेरे इस चैनल पर नवे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टॉपिक मैं अपने कैनेडियन इमीग्रेशन से रिलेटेड अपने इस चैनल पर डिस्कस करता रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।